जैसा मैंने आपको टर्मनेल में कुछ लोगों की बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाई, और नो डाउट वो देश के बहुत बड़े रक्षक हैं और हर आपदा में हर विपत्ति में अपने आप को सामने लाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं, चाहे ट्विटर के जरिए, चाहे माइक पे, चाहे कहीं अपने आप की उपस्थिति दर्ज करा के, जैसे शाहीन बाग में कन्हैया कुमार जहाँ जहाँ भी जाता है, जहाँ जहाँ वो खड़ा होता है। तो तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े नामचीन चेहरे हैं जो कभी भी देश आपदा में आता है, आप लोग एग्री करेंगे, कमेंट में बताइएगा कि कितना एग्री करते हैं। तो ये लोग हर वक्त सामने हैं, जब भी इनको लगता है देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की सिक्योरिटी दाव पे लग गई है, करप्शन बढ़ रहा है, ये लोग बहुत तेज़ी से सामने आते हैं। पर जब से कोरोना, तबलीगी जमात, ये जो माहौल देश में बना हुआ है, ये खतरे से कम नहीं है। लेकिन ये लोग भी जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, ये दिख नहीं रहे। एक बार तो अशोक पंडित के और जावेद साहब की बहस भी हुई है ट्विटर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा साइड में, आप पढ़ सकते हैं। और नहीं, अगर आपको ये न्यूज़ मिल चुकी होगी, ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, तो बात अलग है, तो आप नहीं तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं रीड करके क्या सुना। और जावेद साहब उसमें काफ़ी गुस्सा भी हो गए भाई, जब उनसे पूछा गया कि तबलीगी जमात के बारे में आप क्यों नहीं कुछ बोलते, एक शब्द भी आपने नहीं बोला, तो बहुत थोड़ी बहसबाजी भी आप पढ़ लीजिए। और ऐसे नसरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, ये जो दलितों का नेता बनता है रावण, और तमाम ऐसे लोग, गिनती नहीं है, बहुत लोग हैं। तो ये लोग मसीहा बन के बचाने क्यों नहीं आ रहे देश को? क्रिटिसिज्म भी नहीं कर रहे हैं। खैर, क्रिटिसिज्म तभी करते हैं जब देश को गाली पड़ती है, तो सरकार को क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं। और जब सॉल्यूशन लेके आने की बारी होती है, जब मौके पर नज़र आना होता है, तो ये लोग ऐसे ही गायब रहते हैं। लेकिन हाँ, वहीं देश में भगवा आतंक फैलाने वाले आरएसएस वाले रोड पे हैं भाई, तमाम मंदिर गुरुद्वारे फंड कर रहे हैं, लोगों का पेट भर रहे हैं, रोज 50,000 लोगों का पेट भर रहे हैं, और सिख आतंकवाद फैला रहे हैं, और भगवा आतंकवाद फैल रहा है तमाम, जब से कोरोना शुरू हुआ है, जब से महामारी है, तो ये दो ग्रुप तो आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन जो देश को आतंकवाद से बचाने वाले लोग हैं, जो संगठन हैं, जिन जो शांति प्रिय धर्म के लोग हैं, जिनका कहना है कि एक व्यक्ति की जान जाना पूरी इंसानियत की जान जाना है, और उन लोगों के हाथों कुछ पुण्य का काम होते हुए दिख नहीं रहा है, या शायद वही वो काम है जो तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं अपने धर्म की सेवा, और किस तरह से कर रहे हैं, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है। क्योंकि आप लोगों का भी पता नहीं हो तो मैं बता दूं, मैंने पहले वीडियो में बताया कि तबलीगी जमात का सिर्फ यही काम है कि वो इस्लाम को प्रोपोगेट करे, उसके बारे में बताए, लोगों को और अच्छा मुसलमान बना सके। और वही ग्रुप, उनके ऑफिशियल मेंबर्स, जहाँ जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ के 50% ज़्यादा केसेस तबलीगी जमात का निकल रहा है। मिजोरम में या मैसूर में कहीं एक जगह एक केस निकला, कल परसों की बात है, और साइड में दिखा रहा था कि कितने केसेस हैं, उसमें से कितने मरकज हैं, तो एक केस निकला, उसमें से टोटल एक मरकज था, मतलब मरकज वाला ही था। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कितना कैसे कर रहा है, ये मैं देख के शौक रह गया हूँ। और ये लोग कैसे समय पे कैसा रंग दिखाते हैं, और मुझे पता है ये लोग कब सामने आए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इनमें से कुछ लोग आए सामने, या तो इनकी सोच से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सामने आते हैं, तब जब जैसे अमेरिका ने, लोगों को लगा कि अमेरिका ने देश को थ्रेटन किया, तो लोग मोदी के 56 इंच के सीने को गाली देने आ गए, और तमाम ऐसी चीज़ें कहने के लिए तमाम लोग आ गए कि यही है देश की डिप्लोमेसी और तमाम ताकत, ये वो गाली देने आ गए, लेकिन किसी ने तह तक जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन खैर, द प्रिंट में नाम लेते हुए उसको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उसने ही डिटेल में जाके, वो खैर है लेफ्टिस्ट, हर चीज़ मोदी के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन कई मुद्दों पे उसने, जो बात सच है उसके अगेंस्ट कोई कितना बोलेगा मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन उसने पूरी डिटेल रिपोर्ट में बताया कि पत्रकार ने क्या पूछा था, ये वर्ड यूज़ किया था, और कैसे ट्रंप ने ये रिटेलिएशन वाला वर्ड यूज़ किया, उसका कोई ऐसा डायरेक्ट मतलब नहीं था कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम जवाब देंगे, हम कोई कार्रवाई करेंगे, तो हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन उसने कर दिया। तो जितने लिबरल्स, सो कॉल्ड लिबरल्स देख रहे होंगे, तो उनको समझ में आ गया हो, हमारे ही मानसिकता से प्रेरित एक आदमी, हम एक चैनल हमें ही आईना दिखा रहा है और सच से सामना करा रहा है, तो कोई कितना झूठ बोल देगा। खैर, इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा यही मतलब था कि देश को ज़रूरत पड़ती है तो कब कौन कैसा रंग दिखाता है, और कैसे लोग बढ़ चढ़ के सामने आते हैं, और कैसे लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करते हैं, मतलब कुछ बढ़ाने में करते हैं, कुछ घटाने में करते हैं, कुछ डॉक्टरों पर फूल बरसा के करते हैं, कुछ डॉक्टरों को पत्थर मार मार के हॉस्पिटल पहुंचाने में करते हैं, कुछ पुलिस वालों पे हमला करते हैं, कुछ पुलिस वालों को कोल्ड ड्रिंक पहुंचा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, समझ समझ का फेर है कि कब आपको कैसे रिएक्ट करना है।
कौन सिखाता आपको, किस किताब से बुद्धि मिलते मुझे नहीं पता, क्योंकि कहने वाला ही कहता है कि किसी किताब में नहीं लिखा होता ये सब करना। लेकिन आप तो यही कहते हैं कि हम बिना किताब के इधर उधर दाएं बाएं जाते ही नहीं हैं। तो फिर अगर आपकी हरकत ये रिप्रेजेंट करती है तो हम यही मान के चलेंगे कि आपने उसी किताब से पढ़ा है, क्योंकि आप तो दाएं बाएं होते नहीं, फिर आपकी हरकत क्या बताती है। खैर, उत्तर प्रदेश में करके बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, हर जगह योगी आदित्यनाथ नहीं है, जहाँ हैं वहाँ पर अगर आप थूकेंगे तो चटवा दिए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है, और इसीलिए हमें इतना कॉन्फिडेंस तो है कि एक लिमिट क्रॉस होते ही तुम पे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाओ, बहुत देर हो चुकी है, और उन लोगों से मेरा सवाल है जो इस सोच से ताल्लुक़ रखते हैं, या जो लोग मेरी इस बात को, मेरे इन सवालों को अपने उन आकाओं तक पहुँचा सकते हैं जिन लोगों का नाम लिया मैंने, जितने लेफ्टिस्ट, लिबरल, लिब्रांडो, जो भी उनके लिए शब्द कहा जाता है, उन तक पहुँचा देना कि आपका बहुत अच्छा योगदान था, और देश की आपदा में, विपत्ति में, ऐसे संकट के समय में आप सब ने अपना अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से अपने चेहरे सामने ले आए, और आपकी इन हरकतों ने दिखा दिया कि असली ज़रूरत देश को किसकी है, देश का असली नेता कौन है, देश की असली जनता कौन है, देश का असली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कौन है, जो अपने आप को घर में रख के बचाए हुआ है, अपने आप को बचाते हुए पूरे भारत को बचाए हुए है। और इस हरकत के बाद अब किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि किसको वोट देना है, किसके साथ खड़े होना है, किसके लिए कुछ करना है, और हमें अपने देश के लिए क्या क्या करना है, और कैसे लोग कर सकते हैं, ये सबको नज़र आ चुका है, सबको नज़र आ चुका है। तो बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, क्योंकि अगर आप, मुझे पता है आगे ये सारे लोग कब सामने आने वाले हैं, ये सारे लोग अब तभी सामने आएंगे जब देश को किसी बात के लिए झटका होगा, जब किसी बात के लिए गवर्नमेंट को कोई गाली पड़ रही होगी, या कोई गाली देनी होगी, या फिर कोई भी भारत के खिलाफ कुछ होना होगा, तो ये लोग सामने आ जाएंगे सरकार को गाली देने के लिए। लेकिन इनकी इतनी पढ़ी लिखी बुद्धि, बुजुर्ग लोग हैं, इनको यही नहीं समझ में आता कि गाली देने से और क्रिटिसाइज़ करने से अगर चीज़ों का समाधान हो जाता तो तुम लोग पिछले 4-6 साल से करते आए हो, क्या समाधान हो गया? वो दोबारा जीत के आ गया, वो तिवारा भी आएगा और हर बार आएगा, वो नहीं आएगा तो लाइन में कौन कौन दो और लोग लगे हुए हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उससे खौफ खा के तुम्हारी वैसे भी फटी पड़ी। जय हिंद, वंदे मातरम।